कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। लोगों को लाख ताकीद की जा रही है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले साबित कर रहे हैं कि लोग इनका पालन नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती हुई 3,46,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,801 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जयपुर एक बार फिर से कोरोना की राजधानी बनता जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे ने कल राजधानी में 2 और आज भी 2 कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। सरकार की कोशिश है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का हमेशा पालन करें। सरकार ने इसके लिए सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए का चालान, बिना मास्क के सामान बेचने पर 500 रुपए का चालान, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए का चालान, सार्वजनिक स्थान पर शराब पान गुटखा तंबाकू के सेवन पर 500 रुपए का चालान है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले लोगों द्वारा नियम नहीं मानने का स्पष्ट प्रमाण है। सरकार ने राजधानी में स्क्रीनिंग की रफ्तार बढ़ा दी है। संक्रमित के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर टीमें बनाई गई हैं। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड स्क्रीनिंग यहां पर तेज की गई है। साथ ही साथ ये व्यवस्था की गई है कि 5 से ज्यादा संक्रमित पाए जाने पर इलाके को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए।